हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास मिश्रा पर। दोस्तों, जून महीने के आखिरी सप्ताह में हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने रेल यात्रा की थी। ये जो रेल यात्रा है ये उन्होंने अपनी प्रेसिडेंट स्पेशल ट्रेन में की थी, जो कि कई खास सुविधाओं से लैस थी। और इस ट्रेन को चलाने में सबसे ज़्यादा सुरक्षा का ध्यान रखा गया था। चाहे हम बात करें इस ट्रेन के आगे आगे चलने वाले एक इंजन और एक डब्बे की, या फिर इस ट्रेन के पीछे पीछे चलने वाले एक रेस्क्यू ट्रेन की, जिसमें फर्स्ट एसी के दो डब्बे लगे हुए थे, यानी कि ये ट्रेन पूरी तरीके से सुरक्षा से लैस थी। और इस ट्रेन को चलाने में सबसे ज़्यादा परेशानी इस ट्रेन की सुरक्षा थी। इस ट्रेन के चलने से 2 घंटे पहले पूरे के पूरे रेलवे लाइन पर सभी ट्रेनों को रोक दिया जाता था, जिस कारण से यात्रियों को परेशानी होती थी। अब दोस्तों, एक बार फिर से यात्रियों को इस ट्रेन के कारण परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपति जी फिर से एक रेल यात्रा करने वाले हैं। दोस्तों, कब होगी यह रेल यात्रा, कहां से कहां तक होगी और इस कारण से बिहार की कौन कौन सी ट्रेनों को रोकना पड़ेगा, आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियोस करूं, मेरा आपसे आग्रह, यदि भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय भी जरूर बताएं। और कुछ शिकायत आपका है तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो दोस्तों, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हम राष्ट्रपति जी की यात्रा की बात करें तो ये राष्ट्रपति जी की यात्रा 26 अगस्त को होने वाली है। और ये जो यात्रा होगी ये होगी नई दिल्ली से लेके अयोध्या तक की, वाया लखनऊ कानपुर सेंट्रल होते हुए। सबसे पहले राष्ट्रपति जी 26 अगस्त को नई दिल्ली से लखनऊ तक आएंगे। फिर 26 अगस्त के बाद 3 दिन रुकने के बाद 29 अगस्त की सुबह में करीब 9:10 पर लखनऊ से अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे और 11:30 पर अयोध्या पहुंचेंगे। फिर वापसी में अयोध्या से 3:50 पर निकलेंगे, 6:20 में लखनऊ पहुंच जाएंगे। इस बीच में जितनी भी ट्रेनें चलती हैं, चाहे हम बात करें बिहार संपर्क क्रांति की जो कि लखनऊ होकर जाती है, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की, या फिर कानपुर सेंट्रल होकर जाने वाली संपूर्ण क्रांति की बात करें, सभी ट्रेनों के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा 2 दिन 26 और 29 अगस्त को। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इतना ही, मिलेंगे जय हिंद।